बदलती जीवन शैली के साथ साथ महिलाएं भी नशा कर रही हैं, पर जब किसी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, नशे की लत लग जाती है तो उसका जीवन बर्बादी की राह पकड़ लेता है। नशा कई प्रकार से किया जाता है, फिर चाहे वो स्मोकिंग की फॉर्म में हो या फिर शराब की फॉर्म में। बांझपन विशेषज्ञ ने बताया कि डायरेक्ट स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग दोनों ही सेहत पर दुष्प्रभाव डालते हैं। आजकल नशे की जो समस्या है हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, चाहे वो हायर सोसाइटी हो या लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हों, सभी महिलाओं में भी आजकल जो है धूम्रपान और नशे की आदत देखी जा रही है। और जो महिलाएं नशे के पदार्थों का सेवन करती हैं उनमें उनके बच्चे में कुछ समस्याएं होने की वो प्रॉब्लम हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो नशे की चीज़ों का सेवन करती हैं तो बच्चे में प्रभाव पड़ सकता है, और अगर वो धूम्रपान करती हैं तो उसका भी प्रभाव बच्चे पे पड़ सकता है। और ऐसे ही जो पुरुष धूम्रपान या नशे की पदार्थों का सेवन करते हैं उनके भी उनमें इन्फेक्शंस या और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिससे कि उनको संतान प्राप्ति में भी दिक्कत हो सकती है। और संतान होने के बाद अगर गर्भ में शिशु है तो अगर आप अपनी वाइफ के सामने स्मोक कर रहे हो, आपकी वाइफ अगर पैसिव स्मोकर है तो भी बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल का कहना है कि जो महिला गर्भवती है उसे अपना विशेष ख्याल रखने की जरूरत होती है। यदि वो स्मोकिंग करती है या पैसिव स्मोकर है तो उसके साथ साथ उसके बच्चे की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जो आगे चलकर उसके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।